किशोर नंद कुमार सिंह चौहान। धन्यवाद सभापति महोदय। यस सभापति महोदय, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे दुनिया का मौसम बिगड़ने लगा है। अलनीनो इफेक्ट से प्रशांत महासागर में जो पानी का तापमान बढ़ा, उसके कारण हमारे भारत में भी उसका प्रभाव इस वर्ष हमको देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसका पूर्व अनुमान बता दिया था कि कहीं सूखा पड़ेगा और कहीं बहुत अधिक वर्षा होगी। जहां सूखा पड़ेगा उसका भी प्रभाव समाज पर और किसानों पर पड़ता है, और जहां अधिक बारिश होती है सभापति महोदय, उसका भी प्रभाव और नुकसान सर्वाधिक किसान को उठाना पड़ता है। और आज पूरे भारतवर्ष में कुछ इलाकों में बहुत अधिक सूखा है, बारिश का अभाव है, और कुछ जगह पे अधिक वर्षा हुई है। मेरे मध्य प्रदेश में 25 जिले ऐसे हैं सभापति महोदय जहां पर कम वर्षा हुई है। किसान आज परेशान हैं। मध्य प्रदेश का दतिया, धार, सागर, विदिशा, रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर, गुना, सीधी, शाजापुर, आगर मालवा, देवास, अशोकनगर, नीमच, सतना, दमोह, छतरपुर, ग्वालियर, पन्ना, शहडोल और उमरिया, ये कम वर्षा से प्रभावित जिले हैं। यहां सूखे का प्रभाव है और इस कारण यहां के किसानों की फसलें, बोया हुआ सोयाबीन बीज तक कहीं जगह पर नहीं निकल पाया। यह स्थिति सूखे के कारण बनी है सभापति महोदय। और वहीं पर मध्य प्रदेश के ही कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तूफानी बारिश हुई, आंधी के साथ बारिश हुई, उसमें बैतूल, बुरहानपुर, हरदा और खंडवा, ये जिलों में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी। वहां की ताप्ती नदी से लेकर तो उस जिले की सारी नदियां उफान पर थी, और तूफानी बारिश, हवाओं के साथ जो बारिश हुई सभापति महोदय, मैंने अपने जीवन में मेरे बुरहानपुर जिले में ऐसी वर्षा की स्थिति नहीं देखी। 24 घंटे में 40 सेंटीमीटर बारिश वहां पर हुई, और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे बुरहानपुर के केले की फसल तबाह हो गई। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में केला बुरहानपुर जिले में पैदा होता है सभापति महोदय, और एक केले के पेड़ को फलदार वृक्ष बनाने तक, फलदार पेड़ बनाने तक 69 रुपीज का खर्च आता है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। आज वहां पर जो केले की फसल का नुकसान हुआ है, यहां बैठकर हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मैं 3 दिन तक पूरे बुरहानपुर जिले में घूमा हूं और एक एक खेत खेत तक गया हूं। हर किसान के आंख में मैंने आंसू देखा है सभापति महोदय। ये जो प्राकृतिक आपदा है, अतिवृष्टि के कारण, तेज हवा के साथ जो बारिश हुई, इसके कारण केले के फसल का अरबों रुपए का नुकसान बुरहानपुर जिले में हुआ। ये किसान का नुकसान जो भी होता है, चाहे सोयाबीन का हो या केले का हो, ये नुकसान से बचने के लिए हमारे देश में फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू तो की गई, लेकिन उस राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ हमारे किसानों को नहीं मिल पाता सभापति महोदय। इसको व्यवहारिक बनाने की बहुत अधिक जरूरत है। यह राष्ट्रीय फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के माध्यम से यह बीमा किया जाता है। इसको व्यक्तिगत दृष्टिकोण में न रखते हुए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को रखकर यह योजना बनाई गई।
ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, ये हालत किसानों की हो जाती है। व्यापक दृष्टिकोण रखकर जो बीमे का आकलन किया जाता है सभापति महोदय, उसके कारण किसान को आज तक केला उत्पादक किसानों से हर साल बीमे की प्रीमियम कंपलसरी काटी है। प्लीज कंक्लूड। सभापति महोदय देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है सभापति महोदय, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। सभापति जी, एक केले के पेड़ को 69 रुपए उसको खड़ा करने में, फलदार बनाने में खर्च आता है, 200 से 250 रुपए का एक पेड़ का फल बनता है। सभापति महोदय, बीमा कंपनी लगातार केले के फसल का बीमा काट रही है, जो भी लोन उठाता है, कर्ज उठाएगा, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक से उठाए या कॉपरेटिव बैंक से उठाए, ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का बीमा की किस्त कटाना, प्रीमियम कटाना कंपलसरी हो गया सभापति महोदय। और प्रीमियम कटने के बाद आज तक केला उत्पादन किसानों को एक रुपए का भी इंश्योरेंस नहीं मिला, मैं किसी भी फसल को नहीं मिला। मैं सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस फसल बीमा योजना को व्यवहारिक बनाएं। व्यवहारिक बनेंगी तब बनेंगी, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव से मेरे यहां पर केले की फसल जो बर्बाद हुई है, केला उत्पादक किसानों को जिंदा रहने के लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा है। मध्य प्रदेश की सरकार तो मदद कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने जब जब भी प्राकृतिक आपदा, हमारे मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान हो, गेहूं उत्पादक किसान हो, जो भी उत्पादक किसान हो, उसको आरबीसी के तहत सहायता दी है सभापति महोदय, लेकिन वो सहायता बहुत कम मात्रा में होती है। और केले जैसे फसल के लिए तो आरबीसी के तहत प्रदेश सरकार जो देती है वो सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है सभापति महोदय। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस बार हमारे यहां के केला उत्पादक किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर सहायता का हाथ आगे बढ़ाएं और मेरे यहां के केला उत्पादक किसानों को आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए दोनों सरकारें सहयोग करें, ये मैं अनुरोध करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारे बुरहानपुर जिले में बारिश के कारण लगभग 1000 मवेशी ये 24 घंटे की तेज वर्षा में मर गए, निमोनिया के कारण, खुले में खूब तेज बारिश उनके ऊपर बरसी और बाढ़ के कारण कुछ मवेशी बह गए। ऐसे परिस्थिति में वो छोटे छोटे मवेशी पालने वाले लोग या छोटे छोटे वो किसान जिनके मवेशी इस बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण मर चुके हैं, उनको भी सहायता दी जाए। प्लीज कंक्लूड। और मध्य प्रदेश में केला पैदा करने वाले किसानों के सहायता के लिए केंद्र सरकार भी आगे आए। बहुत बहुत